हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। अब कल ने कैश प्रोग्राम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिल्कुल फिनिश कर लिया है। अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे। मुझे बताओ किसी कोई प्रॉब्लम? 17 तक मैंने क्वेश्चन दिए थे, इलस्ट्रेशंस डन है, हो गए। किसी की कोई प्रॉब्लम आई है? नहीं, ठीक है। अब वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं। आप सब सामने देखेंगे बेटा, कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी वाइंड अप करें। समझ सकता हूँ मैं भी तुम्हारी परेशानी बेटा। फॉर्मेट था पर्टिकुलर्स, डिटेल्स और अमाउंट। कैश फ्लो फ्रॉम मान लो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप कैलकुलेट कर चुके हो। अब स्टार्ट कर रहे हो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सारी बात नॉन करंट एसेट्स की आती है। ये बात तो मैंने मेरी फर्स्ट डे बता दी थी। तो बाबू, अगर मैं सेल कर रहा हूँ किसी भी नॉन करंट एसेट्स को, या कह लो फिक्स्ड एसेट्स को, तो बेटा उसको पॉजिटिव रिकॉर्ड करूंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। मेरा मतलब प्रॉफिट या लॉस सबको कभी है ही नहीं। मैंने कोई एसेट 10,000 की खरीदी, आज चाहे 1,000 में बेच दी, मुझे तो ये पता है 1,000 रुपये आए ना सेल करने से, मुझे प्रॉफिट लॉस नहीं रिकॉर्ड करना। 1,000 आए सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, 1,000, ठीक है जी। सेम वे अगर मैं कोई भी बेटा फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स परचेज कर रहा हूं, तो बेटा उसकी वजह से मेरी जेब से पैसा चला जाता है। पैसा जाएगा तो बेटा रिकॉर्ड करूंगा इस आउटपुट। वो जब मैं एडजस्टमेंट कर रहा था नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम की, तो 8 बातों की मैंने चर्चा करी है, जहां 5 ऐड होती हैं और 3 लेस होती हैं। जो 3 लेस होती हैं ना, उसमें से एक आइटम जो मैंने पढ़ाई थी, तो मैंने बोला था ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, याद होगा शायद आपको। क्या था वो? रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। वो रेंट, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हो, तो बेटा ये क्या है? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। वहां इसी वजह से बाहर कर रहा था मैं कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बाबू आपने कोई बिल्डिंग खरीदी हुई है, जब खरीदी थी तो इन्वेस्टिंग का पार्ट थी। अगर आज उससे रेंट आ रहा है, उससे रियलाइज होने वाली इनकम भी क्या है बेटा? इन्वेस्टिंग ही है। सेम वे आपने एफडी कराई थी, तो बाबू परचेस किया था किसी एसेट को, अगर बेटा आज वहां से इंटरेस्ट आ रहा है तो बेटा वो भी इन्वेस्टिंग है। सेम वे अगर डिबेंचर खरीदे थे किसी कंपनी के, उस पर ब्याज आ रहा है, वो भी इन्वेस्टिंग है। ऐसे ही बेटा अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे थे, तो बाबू परचेस करी थी एसेट, यहीं दिखाई थी, तो उसका डिविडेंड भी कहाँ दिखाएंगे? यहीं दिखाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? इससे बेटा कैलकुलेट हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, या कैश आउटफ्लो, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दोनों में से एक चीज आएगी, पॉजिटिव आई तो इनफ्लो हुआ और पैसे गए तो यूज हुआ, ठीक है। बट लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इतनी बात से काम नहीं चलता। वो एक ऐसी एडजस्टमेंट है जो बहुत बार आती है नॉन करंट एसेट से रिलेटेड। उसके 5 अलग अलग केसेस हैं जिसका डिस्कशन मुझे आज शुरू करना है, ठीक है जी। मैं कोशिश करता हूँ कि आज मैक्स करा दो, जो इक्का दुक्का रह जाएगा वो बेटा कल देख लेंगे। केस नंबर 1, सब सामने देख रहे हैं बेटा। बाबू मान लो मुझे ऐसे गिवेन है 31 मार्च 2024, दैट मीन्स करंट ईयर 31 मार्च 2023, और गिवेन है बैलेंस शीट के अंदर प्लांट एंड मशीनरी पिछले साल थी। कल कल ये सेम बात आई थी मुझसे, रचित ने पूछी थी। अच्छा, वो प्लांट एंड मशीनरी पिछले साल थी 4 लाख, इस बार हो गई 3,60,000, क्या करो इसका? ये तो बहुत सिंपल केस है, इसमें कुछ है तो नहीं, बल्कि आप भी बता सकते हो।
बाबू क्या हुआ बाबू, प्लांट एंड मशीनरी पे डैप लगाइए 40,000 रुपए का। सिंपल सी बात भाई, पिछली बार 4 लाख थी, अगर 3 60 हो गई। देखो कई लोग बोलते हैं कि आप सेल दिखा सकते हैं, 40,000 की प्लांट एंड मशीनरी आप सेल मान सकते हो। पहली प्रेफरेंस बेटा डैप की है, दूसरी प्रेफरेंस सेल की है। पहली प्रेफरेंस हमेशा डैप की है, ठीक है जी। पहले तो डैप ही लगेगा, अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो पहली चीज डैप ही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, सिंपल है बात। अब वो केस नंबर टू, अच्छा अगर डैप आ गया 40,000, क्या करोगे, दिखाओगे कहाँ? एडजस्टमेंट नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में चला जाए, बाकी कहीं कुछ नहीं जा रहा। 31/5/23 ऐसे गिवेन है। प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी कुछ भी फिगर समझ लेते हैं, माइनस बाबू ऐसे गिवेन है। कल भी आया था ये क्वेश्चन में, मैंने बताया था इलस्ट्रेशन था 12 में था सेम बात। और वो क्या करूं, कैसे रिकॉर्ड करूं? अगर बेटा मेरी एसेट्स 3 लाख से 5.5 लाख की हो गई हैं, तो बेटा ऑब्वियसली इसका मतलब है मैंने एसेट्स खरीदी हैं 2.5 लाख रुपए की। बाबू परचेज ऑफ एन एसेट 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएंगे, और बेटा ये कैलकुलेट कराएगा आपका डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप मतलब डेप को इकट्ठा करना, या प्रोविजन फॉर डेप, इट इज वन एंड द सेम थिंग। कल बताया था ना प्रोविजन फॉर डेप क्या चीज होती है, कल डिटेल में डिस्कशन बैच में कर चुका हूँ ना प्रोविजन फॉर डेप क्या चीज होती है। तो बाबू अगर ये डिफरेंस है, इससे क्या पता लगता है कि करंट ईयर का डेप कितना है, 10,000 रुपए। तो बाबू ये 10,000 का डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाएगा, एडजस्टमेंट में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ये दो केस में सिंपल है बात, मुश्किल तो नहीं है। एक काम करना, इसको फटाफट से नोट डाउन करना, फिर मैं तीसरा केस लिखूंगा, फटाफट से नोट डाउन कर, यहां से शुरू हो जाओ यहां से। अब वो नेक्स्ट केसेस की चर्चा करते हैं, केस नंबर थ्री। अब इंपॉर्टेंट केस है ये, बच्चों बच्चों वाली बातें खत्म हो गई, ठीक है जी। आओ मुश्किल मुश्किल बातें भी देखते हैं, कुछ आसान आसान तो बहुत झेल भी। केस नंबर थ्री मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, पहले आप लिखते चलो। इतना लिखना बराबर से और रुक जाना लिखने के बाद। बाबू आई एम श्योर कि आपने सबने एडिशनल इन्फो या एडजस्टमेंट की बात क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी थोड़ी सी पढ़ रखी है। बाबू यहाँ पर भी ना एडिशनल इन्फो आने लगेंगी कैश फ्लो में भी। जब भी एडिशनल इन्फो आएगी, मैं फिलहाल प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड बात बता रहा हूँ, मैं हमेशा अकाउंट बनाना शुरू कर दूँ। आप ये देखो बेटा, क्या पिछले दोनों केसेस में कोई भी एडिशनल इन्फो की बात थी? नहीं, सारी बात बैलेंस शीट के अंदर थी, है ना। अगर बेटा कभी भी एडिशनल इन्फो आती है, आप समझते हो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा, ये जो 1.25 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन है ना, इसमें एडजस्ट नहीं हुआ हुआ, एडजस्ट नहीं हुआ हुआ।
तभी एडिशनल इन्फो में लिखा है, अगर एडजस्ट हो जाता तो लिखने की क्या जरूरत थी, समझ में आती है बात। तो बाबू जब भी एडिशनल इन्फो आएगी मैं क्या करूंगा बेटा, इस फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाना शुरू कर दूंगा। अभी मैं अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना, ये फिगर्स नहीं लिखूंगा उस अकाउंट में, सिर्फ एक बार एक स्पेसिमेन दिखा रहा हूं अकाउंट कैसे बनेगा, और फिर इसका अकाउंट बना के भी सिखाता हूँ। अब चलाना मत पे, फिलहाल सामने देखना, सारा जोर समझने पे लगा तो, ठीक है ना जी। बेटा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कैसे बनता है? सर प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट है, एसेट हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। तो वो ओपनिंग बैलेंस डेबिट कर दो किसी भी अकाउंट में, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड। तो बेटा मैंने लिखा होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग एसेट्स, एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, और बेटा बाय बैलेंस कैरेट डाउन क्लोजिंग एसेट्स। पहले बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? बात समझ में आई थी पक्का से बाबू? यानी कि अगर मेरे को ये लिखना होता तो यहाँ 6 लाख लिखा होता, यहाँ 4 लाख लिखा होता, ओपनिंग एसेट्स यहाँ लिखी होती, क्लोजिंग एसेट्स यहाँ लिखी होती, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है बाबू, डेप्रिसिएशन लगा, जर्नल एंट्री सोचना, डेप टू प्लांट एंड मशीनरी। मैं अकाउंट किसका बना रहा हूँ? प्लांट एंड मशीनरी का ही अकाउंट बना रहा हूँ। प्लांट एंड मशीनरी इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द, नाम किसका आएगा? सामने वाली साइड का। सामने क्या लिखा है? बाय डेप्रिसिएशन, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी मैंने सेल करी, एंट्री क्या होती है? कैश है बैंक डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। बाबू प्लांट एंड मशीनरी ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड, नाम सामने वाली साइड का आया, चाहे कैश से बेची हो चाहे बैंक से बेची हो। अच्छा अगर बेचने पर लॉस हुआ हो तो? लॉस हमेशा डेबिट होता है, पीएनएल अकाउंट डेबिट हुआ होगा टू प्लांट एंड मशीनरी होगा, यानी कि बेटा लॉस भी इसी साइड आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और आपकी सहूलियत के लिए मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं लॉस ऑन सेल, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सारी बात समझ में आ गई? अच्छा अगर खरीदी तो? प्लांट एंड मशीनरी टू कैश है टू बैंक, ठीक है, और अगर बेचने पर प्रॉफिट हुआ तो बेटा प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, एंट्री हुई होगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल। बाबू ये गिन के 7 आइटम हैं जो किसी भी प्लांट एंड मशीनरी या टेंजिबल फिक्स एसेट्स के अकाउंट में जा सकती हैं, हमेशा सातों की बात नहीं होगी, ये तो मेरे को फॉर श्योर पता है, पर बेटा फंसोगे नहीं अगर इस पूरे अकाउंट को सीख गए हो तो। जब भी एडिशनल इन्फो आए अकाउंट बनाना शुरू कर दो, समझ में आ गया ना अकाउंट बहुत अच्छे से? तो आज ही पता लग जाएगा अच्छे से आ गया क्या नहीं, मौका दे देंगे तुम्हें आज। चलो फिलहाल मेरी तरफ देखना, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ अकाउंट बनाकर, ज्यादा इंटेलिजेंट मत बनना कि मैं मुंह जवानी सॉल्व कर दूंगा, हीरो बनोगे सारी हीरो बनती निकल जाएगी 2 क्वेश्चन में, समझ गए? चलो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना रहा हूं बेटा, ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड ब्रॉट डाउन क्योंकि एसेट है, ओपनिंग बैलेंस था 6 लाख रुपए का, बेटा क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख रुपए का, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सब क्लियर? बहु क्वेश्चन में कहा गया था डैप ड्यूरिंग द ईयर वाज 1,25,000, 1,25,000 का डैप लगा, क्या कहा था मैंने? पहली प्रेफरेंस डैप की है, उसके बाद भी कोई बैलेंसिंग फिगर बचे तो देखो, बैलेंसिंग फिगर बच रही है इधर 6 लाख, इधर 5,25,000, बैलेंसिंग फिगर यही बच रही है। बाबू यहाँ क्या मान सकते हो? देखो डैप हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया, क्या मान सकते हो? या तो सेल ऑफ एसेट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। भैया पहले सेल मानोगे तभी तो लॉस और प्रॉफिट की बात करोगे, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप क्या मानोगे? सेल ऑफ एसेट की 75,000 की एसेट ही बिकी बाय कैश और बैंक, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो बैलेंसिंग फिगर, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आई बात?
अब आपको इतनी बात सारे लेवल से किसी ना किसी ने सिखाई होगी कि बेटा अगर कोई आइटम ट्रायल के अंदर है तो वो एक जगह जाती है, और एडिशन इन्फो के अंदर है तो दो जगह जाती है। मैंने तो बहुत अच्छे से की। बाबू ये बात मुझे बैलेंस शीट के लिए भी बोलनी है, बैलेंस शीट के अंदर कोई आइटम दे रखी है एक जगह दिखाना, ट्रायल भी दे रखी है दो जगह दिखाना। ये बाबू बात बैलेंस शीट के अंदर दे रखी थी, मैंने एक एक जगह दिखा दी, यानी कि अब ये कैश फ्लो में कहीं नहीं जाएगी। जो एडिशनल इन्फो में थी वो दो जगह जाएगी, एक जगह ये दिखा दी, एक जगह और लेके जाओ। कहाँ लेके जाओ? डेप कहाँ जाता है? एडजस्टमेंट, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखा देना, एडजस्टमेंट में। सेल ऑफ एसेट कहीं नहीं गया, एक जगह तो लेके जाओ। कहाँ लेके जाओ? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एज अ पॉजिटिव आइटम, क्योंकि सेल से पैसा आता है बिजनेस। बताओ जी, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं आई? आज जिसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब जैसे आज छुट्टी कर ली उसके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कल खत्म है? नहीं आती समझ? मतलब ही नहीं, क्योंकि मैं इतना तो पढ़ा के जाऊंगा आज। पहले बताओ, इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं? सबको क्लियर है? मैं नोट डाउन करने का टाइम दूंगा, इसके लिए 5 मिनट मुझे दे दो। आप ना इतना स्पेस छोड़ दो, क्योंकि मुझे लगता है क्वेश्चन सबने नोट डाउन कर दिया कि ये दो अकाउंट बन जाए, ठीक है? और केस नंबर 4 लिख लो मेरे साथ साथ। अरे यार, एक काम करो, से 4.75। बाबू मैं इसको चेंज ही कर रहा हूँ, 8.75 ही कर रहा हूँ, क्योंकि तो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ यार, मेरे को थोड़ा सा समय लग सकता है, एरर भी हो सकती है। लो उत्तर, पहली ट्राई आप सबकी है, पूरी जान लगा दो, देखते हैं बेटा कितना समझ में आ जाता हूं। अभी बता लग जाएगा, आज पता लग जाएगा कितना अच्छे से चीजों को पढ़ते करता हूँ। क्या करे भाई, क्या करना चाहिए? अगर टेंजिबल फिक्स एसेट्स दे रखे हैं और एडिशनल इनको दे रखे हैं, क्या करना क्या चाहिए? अकाउंट बनाना चाहिए, बनाए टेंजिबल फिक्स एसेट्स का अकाउंट, बनवाओगे आप? ध्यान रखना। तो बाबू मैं अकाउंट बना रहा हूँ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का। बेटा सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिख दो, एसेट्स है तो ओपनिंग बैलेंस ऑन द डेबिट साइड 6,25,000, क्लोजिंग बैलेंस 8,75,000, ठीक है? अब वो कहता है एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट 60,000 थी, जिसके ऊपर 20,000 का डेप्रिसिएशन लगा था, 36,000 में बेच दी। इधर देखना मित्र, मशीनरी कितने की खरीदी थी? ये हमेशा काम रफ में होगा, है ना? एक मशीनरी कितने की खरीदी थी? 60,000 की। कितने का डेप लगा था? ये कॉस्ट थी, ये माइनस डेप्रिसिएशन, इसे बुक वैल्यू बोलते हैं।
बुक्स में कितने दिखा रखी थी? 40,000 की। अगर 60 की खरीदी थी, 20 का टैप लगा हुआ था, तो बुक्स में 40 की दिखा रखी थी। कितने का बेच दिया? कहता 36 में बेच दिया। 40,000 की चीज 36 में बेच दी, बड़ा फायदा किया, नुकसान कर लिया 4,000 का। ठीक है, बताओ क्या क्या दिखाऊं? टैप दिखाऊं? कितने रुपए? कितने? आवाज नहीं आई। 80,000। बेवकूफ हो तो, मगर तुमने 20,000 की दिखा दिया, तो समझा नहीं सकता मैं बात। मतलब क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो रीडिंग की होती हैं भाई मेरे, समझो। टैप चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, पहले ये समझो, मैं मशीन का अकाउंट नहीं बना रहा, टेंजिबल फिक्स एसेट्स का अकाउंट बना रहा। हर फिक्स एसेट जो टेंजिबल है, इसमें बाबू क्या पता कितनी मशीन हो, क्या पता बिल्डिंग भी हो, क्या पता फर्नीचर फिक्सर्स भी हो। ये तो डेप 20,000 रुपए सिर्फ मशीन का डेप है, इस एक मशीन का डेप जो बेची है। इस 80,000 के डेप में, ये डेप ड्यूरिंग द ईयर, इस 80,000 के डेप में तो सारी फिक्स एसेट्स का डेप है। तो ये 20,000 पहले से है कि नहीं है ये बताओ बस। किसने बिल्कुल ठीक किया, डेप 80 दिखा। वाह, है इतना इतना मेरे पास, सोच भी मत। 60-70% वैसे भी ठीक कर दिया, बहुत ही बढ़िया। तो वो डेप्रिसिएशन दिखा दिया 80,000, इस डेप को तो भूल जाओ। 36,000 की मशीन बेच दी बाय कैश और बैंक, जो भी लिखना है लिख लेना। 36 की मशीन बेच दी, 4,000 का लॉस हो गया। लॉस भी यही आता है बाय पी एंड लगाओ। अब वो बैलेंसिंग फिगर ढूंढो। सर 40 और 80, 120, यानी कि 995। हाईएस्ट टोटल दोनों तरफ लिख दिया, बैलेंसिंग फिगर आ रही है इसी तरफ 3,70,000 रुपए की। लिख दो टू कैश या बैंक, मतलब परचेज ऑफ एन एसेट। सर जो चीजें बैलेंस शीट में दी गई थी वो एक जगह पे जाएंगी, चली गई है ना, बाकी सब दो जगह पे जा सकती है। बेटा ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी एडजस्टमेंट में, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम है ना ये। सर सेल ऑफ एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एज अ पॉजिटिव आइटम, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डेप डेप का भाई है ये, जहां डेप जाएगा वहीं ये जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट वहीं जाता था, याद ही नहीं आने का। पांच चीजें जाती थी ना, ऐड होती थी, और तीन माइनस। डेप गुडविल रिटर्न ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वहीं लिखा हुआ था ना, ये वहीं जाएगा। ठीक है जी, परचेज ऑफ एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एज अ नेगेटिव आइटम। सबकी बूस्टिंग से